हेलो गाइस, वेलकम टू टेक ड्राइवर। आई होप आप सब सेफ एंड हेल्दी होंगे। तो गाइस, आज मैं जाने वाला हूँ मेरे R15 का सेकंड सर्विस के लिए, जो 5000 किलोमीटर तो कंप्लीट नहीं हुआ बट 150 डेज मेरा कंप्लीट हो गया गाइस। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, गाड़ी की हालत बहुत ही गंदी हो गई है एंड कुछ इश्यूज भी है जो मुझे आज ठीक करवाना है। जैसे बैक ब्रेक अच्छे से नहीं पकड़ रहा है एंड बाइक का जो टेल है गाइस वो भी हिल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। एंड ये हिलने की वजह से गाइस बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट कर रहा है एंड बाइक का वाइब्रेशन साउंड भी बहुत ही बढ़ गया है गाइस, बहुत ही ज्यादा ये वाइब्रेट कर रहा है। तो सब कुछ आज ठीक करवाऊंगा एंड ये भी बताऊंगा कि सेकेंड सर्विस में टोटल कितना खर्चा पड़ता है। तो गाइस, आप लोग जुड़े रहिए इस वीडियो में आखिर तक एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूं और लंबा लाइन है बाइक की सर्विस का, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तो लगने वाला है, देख के लग ही रहा है। तो चलिए अंदर जाते हैं और सारे एंट्री प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस, मैं अंदर आ चुका हूँ और मेरा एंट्री प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मुझे रजिस्ट्रेशन का एक फीड भी मिल गया है, एक एक्चुअली रिसीव है। तो ये देख पा रहे हो, एस्टिमेट मुझे 5 बजे का टाइम दिया है। तो गाइस, और एक चीज मेरा पेंडिंग था इन लोगों से, वो है मेरा स्मार्ट कार्ड पेंडिंग था। स्मार्ट कार्ड आ गया है तो वो भी मैंने रिसीव कर लिया आज, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो चलिए वेट करते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, लोग प्रोसेस स्टार्ट करेगा, हम लोग वेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये बाइक क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अभी ये शैम्पू से वॉश हो रहा है, इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल रहेगा या कोई भी मर्ज रहेगा तो ये शैम्पू में क्लीन हो जाएगा। चलिए इन लोगों से पूछ लेते हैं कि ये कौन सा शैम्पू कर रहा है। तो ये जो शैम्पू यूज हो रहा है इसका बेनिफिट्स क्या है, तो इन लोगों से पूछ लेते हैं। चलिए ओके गाइस, तो 295 इसका प्राइस है, तो आप लोग चाहो तो आप आराम से परचेस कर सकते हो। ऑनलाइन मिल सकता है, ऑनलाइन में मिल सकता है या स्टोर से भी आपको आराम से मिल जाएगा। और आप एक परचेस कर लोगे एक गाड़ी के लिए, आराम से आपका 6 मंथ टू 1 ईयर आराम से चल जाएगा। तो तापस भाई अभी क्लियर कर रही है। तो ओके गाइस, इसके बाद ये जाएगा रैंप पे फाइनल वर्कशॉप के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद वाले स्टेप में। तो फाइनली बाइक सर्विस रूम के रैंप पे आ चुका है एंड सर्विस प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है। तो मेरे बाइक में जो सारे प्रॉब्लम्स आ रहा था, लाइक बैक ब्रेकिंग इशू, टेल इशू एंड बाइक वाइब्रेशन प्रॉब्लम, तो सब कुछ मैंने इन लोगों को बता दिया हूँ। एंड ये सब इशू छोड़ के भी दे विल चेंज इंजन ऑयल एंड दे विल चेक बैटरी वोल्टेज, एयर फिल्टर, चेन ल्यूब एंड और भी बहुत कुछ ये लोग चेक करेगा। तो इस वीडियो में R15 V3 सेकेंड सर्विस का पूरा प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाने वाला हूँ गाइस। एंड आई होप इस सेकेंड सर्विस में मेरा सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई ऐसे वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो गाइस, अभी चेंज हो रहा है इंजन ऑयल एंड इसमें यामा ल्यूब की इंजन ऑयल डलेगी, जो आई थिंक अच्छी इंजन ऑयल है फॉर यामा बाइक्स। नाउ दे आर क्लीनिंग द चेन एंड इसके बाद चेन ल्यूब होगा एंड चेन स्प्रे किया जाएगा। ये ओपन चेन है गाइस, तो इसमें चेन ल्यूब एंड चेन स्प्रे करते रहना चाहिए फॉर द गुड सर्विस। एंड नाउ दे आर क्लीनिंग डिस्क प्लेट एंड फिक्सिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई बाइक बैक ब्रेकिंग इशू, जो बहुत दिनों से मैं फेस कर रहा था। तो आपको गाइस लास्ट वीडियो में भी बोला था, जो मुझे ब्रेकिंग इशू हो रहा था तो मैंने छोटा मोटा फिक्स करवाया था। तो अभी सेकेंड सर्विस में मैं लेकर के आया हूँ, इन लोगों को दिया हूँ ये प्रॉब्लम। तो आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अभी ठीक हो रहा है मेरा बाइक टेल इशू, जो लूज हो गया था एंड बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहा था। गाइस, ये देख के अच्छा लग रहा है कि दे हैव नोटेड ऑल माई इशूज एंड दे आर फिक्सिंग इट वन बाई वन। ये चीज़ सर्विस सेंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड फील देता है। तो थम्स अप फॉर टेक्निकॉन सर्विस, जो ये सारे चीज़ आप लोगों ने नोटेड किया एंड वन बाई वन आप लोग फिक्स कर रहे हो।
तो वैसे 4 बज गया है एंड सर्विस भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सारे इश्यूज जो मैंने बोला था एंड सेकेंड सर्विस में जो सारे प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो गया है। तो बाइक अब जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक BS6 एंड यामा बाइक के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, बिकॉज लास्ट एंड फाइनल चेकिंग अभी भी बाकी है। तो फाइनली मेरा बाइक आ चुका है लास्ट एंड फाइनल स्टेप ऑफ सर्विस यामा F5 स्टेशन में। तो गाइस F5 मीनिंग होता है फ्यूल इंजेक्शन, जो अभी के नया BS6 एंड लेटेस्ट बाइक के साथ आता है। तो गाइस F5 स्टेशन में जहां पर बाइक एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता है एंड कंप्यूटर द्वारा सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट रन किया जाता है। अगर बाइक में कुछ फॉल्ट या इशू है तो कंप्यूटर विल डिटेक्ट द इशू एंड ये मॉनिटर में भी शो करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे कनेक्ट होता है, यानी F5 कैसे काम करता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, बाइक को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा रहा है एंड नाउ इट्स कनेक्टेड विद द कंप्यूटर। सो अभी रन होगा सेल्फ डायग्नोस्टिक प्रोसेस। अगर बाइक में कुछ इशू है तो मॉनिटर में शो करेगा एंड दे विल फिक्स इट। तो चलिए देख लेते हैं कैसे रन होता है और ये प्रॉब्लम कैसे डिटेक्ट करता है। सो अभी इंजन टेम्परेचर एंड कूलेंट टेम्परेचर चेक किया जा रहा है एंड इसी चेकिंग में बाइक का सारे इंजन स्टेटस भी दिख जाएगा। अगर कुछ फॉल्ट मिलता है तो अभी ये लोग फिक्स कर देगा। तो ये देखो गाइस, एक जगह पर रेड क्रॉस आ रहा है, इट्स मीन इसमें कुछ इशू है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, इंजन RPM में कुछ इशू दिख रहा है। जितना RPM इंजन का होना चाहिए उतना नहीं है। इसका RPM होना चाहिए था गाइस 1300 से 1500 तक, इसमें शो कर रहा है 1238। सो RPM इसमें बढ़ाना पड़ेगा। सो दे आर एडजस्टिंग द इंजन RPM लेवल नाउ एंड अभी RPM लेवल देखो गाइस नॉर्मल हो गया, जो मॉनिटर में भी दिख रहा है एंड सब कुछ ग्रीन शो कर रहा है। इसका मतलब एवरीथिंग इज नॉर्मल नाउ एंड ये रिपोर्ट कार्ड भी आप लोगों को व्हाट्सएप या मेल पे मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हो अभी बाइक में कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गया है, खास करके यामा के बाइक में। तो इसी के साथ मेरे बाइक का सेकेंड सर्विस हो जाता है डन। बट वेट गाइस, सेकेंड सर्विस में कितना खर्चा पड़ा एंड आफ्टर सर्विस बाइक कैसा दिख रहा है वो भी चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली मेरा सेकेंड सर्विस हो गया है डन। ये फ्री सर्विस था, लेकिन गाइस इसमें जो सारे चीज़ यूज़ होगा लाइक इंजन ऑयल, कार्बन एंड ऑयल क्लीनर, चेन ल्यूब, ये सब प्राइस आप ही को देना पड़ेगा। तो सब मिला के मुझे जो टोटल खर्चा आया सेकंड सर्विस में वो है गाइस 911 रुपीज़। तो अभी आ जाते हैं सर्विस रिजल्ट के ऊपर। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने ही खड़ी है गाइस, आप लोग देख पा रहे हो एकदम क्लीन दिख रहा है बाइक नया जैसा। एंड मैंने एक टेस्ट ड्राइव भी लिया आफ्टर सर्विस, तो मुझे फ़िलहाल सब कुछ सही लगा एंड जो टेल इशू था एंड बहुत ज़्यादा हिल रहा था वो भी ठीक हो गया एंड बैक ब्रेक आई होप ठीक हो गया हो, वो कुछ दिन बाद पता चलेगा ड्राइव करने के बाद। एंड गाइस ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी एंड रेडी टू ड्राइव एट लास्ट। गाइस इस पूरे सर्विस वाले काम पे आबिद भाई बहुत ज़्यादा हेल्प किया। आबिद भाई यामा का बेस्ट नंबर 1 मैकेनिक पोजीशन होल्डर है इन ऑल ओवर इंडिया, उनको अवार्ड भी मिला था फ्रॉम यामाहा एंड ही इज़ अ ग्रेट पर्सन गाइस। सो थैंक्स टू आबिद भाई एंड टेक्नोकॉन इतना अच्छे से सर्विस करने के लिए। एंड गाइस आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टेक ड्राइवर एंड ड्राइव लाइफ विद टेक्नोलॉजी।